इसलिए इनको अहमियत देना यह जरूरी है। अगर हम हमारे कारकुन को अहमियत देंगे, हमारे मुकामी सुदूर को अहमियत देंगे, तो जब ही पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगे और इनकी भी इनके महल्ले में अहमियत रहेगी, इनकी भी ताकत रहेगी, इनकी भी इज्जत रहेगी, इनकी भी पहचान रहेगी। इन लोगों ने जमात के लिए, मेरी और तुम्हारी इज्जत के लिए काम किया, अब हमारा काम है कि हम इनकी इज्जत के लिए काम करें, इनके व्यापार के लिए काम करें। यही है। अगर ऐसी सोच, ऐसी फिक्र, ऐसी समझ जमात के जिम्मेदारों में और कारकुनों में आ जाएगी, तो खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत हमको शिकस्त नहीं दे सकेगी। नहीं तो हमारा कारकुन भी बोलता है, क्या करूं भाई, मैं तो बोल रहा हूं, एमएलए साहब नहीं करवाए, क्या करूं भाई, कारपोरेटर साहब नहीं करवाए, वो तो बरी हो जाता है, लेकिन क्या करूं जो वो अपने महल्ले के लोगों के सामने कहता है ना, तो उससे महल्ले वालों में मायूसी आ जाती, महल्ले वालों में बेरुखी आ जाती, लापरवाही आ जाती। हमारे सदर को बेबस ना बनाओ, काम करो। खुदारा मेरी इस एक एक नसीहत को याद रखो, अगर हमारा कारकुन, हमारा सदर ताकतवर, तो जमात ताकतवर। अगर हमारा सदर, हमारा कारकुन कमजोर, तो जमात भी कमजोर। तो आपकी अहमियत, इसलिए मैंने ये इजलास को बुलाया, तलब किया, आप लोग को जहमत दी।